श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। प्रदोष व्रत शुक्रवार के दिन आने के कारण इसे शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाता है। वैसे तो हर बार के अनुसार प्रदोष व्रत का महत्व होता है, लेकिन शुक्रवार के दिन यह प्रदोष व्रत साल के अंतिम दिन मनाया जाएगा। त्रयोदशी तिथि में शाम के समय भगवान शिव कैलाश पर्वत पर स्थित अपने रजत भवन में नृत्य करते हैं और इस दिन शिव जी अति प्रसन्न होते हैं, इसलिए उनका पूरे मनोभाव से पूजन करने से वे प्रसन्न होकर अपने भक्तों पर अपनी विशेष कृपा बरसाते हैं। इस दिन सूर्यदेव को तांबे के लोटे में जल भरकर और उसमें थोड़ी सी शक्कर डालकर अर्घ देना चाहिए, यह आरोग्यता देता। भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में की जाती है, तो शाम के समय प्रदोष काल के समय भगवान शिव का पंचामृत से स्नान कराएं, दूध दही घी शक्कर शहद से स्नान आदि कराएं, शुद्ध जल से अभिषेक करें। इसके बाद मौली चावल धूप दीप दिखाएं, बेलपत्र आदि धतूरा आग के फूल जो जो शिव जी को पूजा सामग्री अर्पित होती है सारी सामग्री अर्पित कीजिए। इसके बाद साबुत चावल की खीर बनाइए और फल अर्पण करें। इस दिन शिव जी के साथ माता पार्वती का पूजन करना भी लाभकारी होता है। कथा सुने सुनाएं, कथा समाप्ति के बाद हवन सामग्री मिलाकर 11 21 या 108 बार ओम ह्रीम क्लीम नमः शिवाय स्वाहा मंत्र से आहुति दें। उसके बाद शिव जी की आरती और प्रसाद वितरित। जो लोग प्रदोष व्रत रखते हैं उन्हें भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए, फलहार कर सकते हैं पर उसमें भी नमक नहीं होना चाहिए। प्रदोष व्रत में नमक का सेवन वर्जित है।